Hey guys, I'm Varun, certified nutritionist and supplement specialist. गाइस तो रिसेंटली क्या हुआ था मैं कई टाइम से वीडियो नहीं अपलोड कर पा रहा था एक्चुअली कुछ पर्सनल रीजन। खैर मेरी YouTube फैमिली को ऑलरेडी पता होगा कि वो पर्सनल रीजन क्या था। मैं एक्चुअली अपने एक गाड़ी लेने का प्लान कर रहा था जो कि मैंने ली, और आप सभी लोगों के Instagram पे इतने ज्यादा विशेस आए हैं तो दोनों हाथ जोड़ के आप सभी के लिए थैंक यू सो मच। और ये जो चीज थी ये आप लोगों की भी है, क्योंकि जब आप लोग मुझसे मिलने आएंगे मेरे टाउन में तो आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम इस चीज से नहीं होगी। तो इस चीज की वजह से वीडियोस थोड़ा सा डिले हो रहे थे, बट मैं ये अश्योर करता हूँ कि आगे से इस टाइप से मतलब मैं नहीं करूंगा। और कई भाई लोग बोल रहे हैं कि आप अपनी गाड़ी का एक व्लॉग भी बनाइए, तो मैं देखता हूँ कि कैसे वो चीज पॉसिबल हो पा रही है, बट मैं ट्राई जरूर कर रहा हूँ कि वो चीज आ जाए जल्दी से जल्दी। तो आज की हमारी जो वीडियो है वो होने वाली है विटामिन डी के ऊपर। कई भाई लोग मार्केट में मिलने वाले विटामिन डी से बहुत ज्यादा कंफ्यूज हैं कि किस पर्पस के लिए हमें रिकमेंड करता है करना चाहिए, या फिर क्यों कितना इसका डोज हमें लेना चाहिए, किस चीज के साथ ये बेटर एब्जॉर्ब होता है। विटामिन डी हमें सन से भी तो मिलता है, हम वहां से अपनी डेफिशिएंसी को पूरा कर सकते हैं। गाइस ये चीज मैं आप सभी को बता देता हूं, आज भी इंडियन पॉपुलेशन में 75-85% पीपल ऐसे हैं जो विटामिन डी डेफिशिएंसी से जूझ रहे हैं, और इसके जो सिम्टम्स होते हैं वो बहुत ही कॉमन देखे जाते हैं, लाइक बोन डिग्रेडेशन, मतलब एज के साथ साथ बोन की डेंसिटी घटती जाती है जिसकी वजह से हड्डियों में दर्द आना शुरू हो जाता है, हड्डियां कमजोर हो जाती हैं, बहुत इजीली टूट जाती हैं। ये तो मैं उन लोगों की बात कर रहा हूं जो फिजिकली कोई भी एक्टिविटी नहीं करते हैं, उनमें ये डेफिशिएंसी हो जाती है। अब अगर हम जिम कर रहे हैं, वर्कआउट कर रहे हैं, किसी भी टाइप की एथलेटिक परफॉर्मेंस कर रहे हैं, उसमें इस चीज का क्या रोल होने वाला है? जब भी हम वर्कआउट करते हैं तो हमारा जो फ्यूल होता है बॉडी फ्यूल, वो एक नॉर्मल चीजों से 2 से 3 गुना ज्यादा नीड हो जाती है। लाइक विटामिन डी की हमारी बोन बहुत ज्यादा काम करती है, तो उनको विटामिन डी थोड़ा सा ज्यादा अमाउंट में चाहिए होता है। बट कई लोग विटामिन डी के सैशे यूज करते हैं, लाइक जो मार्केट में मेडिकल स्टोर में बहुत ही इजीली अवेलेबल होते हैं, लाइक कि वो 60,000 आयु का होता है, बट वो वीक में हमें एक बार लेना होता है, बट उसकी भी पोटेंसी उतनी हार्श होती है कि वो बहुत ज्यादा होती है। 60,000 आयु बहुत ज्यादा अमाउंट होता है, बट वीकली ले रहे हैं तो वो एक अच्छी बात है आपके लिए, क्योंकि विटामिन डी डेफिशिएंसी आपको कहीं ना कहीं आपके बोन्स में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम कर सकता है। सेकेंड थिंग, हमारा टेस्टोस्टेरोन का लो हो जाना। गाइस विटामिन डी एक बहुत ही मेजर विटामिन है जो कि आपकी बॉडी में टेस्टोस्टेरोन लेवल को डाउन करता है, और अगर विटामिन डी ठीक अमाउंट में चल रहा है तो आपके टेस्टोस्टेरोन लेवल अप रहते हैं, आपको फील गुड होता है। ओके, आपको अगर बहुत ही ज्यादा ऑलवेज दिमाग खराब रहता है, मूड स्विंग होते हैं, तो कहीं ना कहीं आप विटामिन डी डेफिशिएंसी से भी जूझ रहे हैं। ओके, थर्ड थिंग, आपकी स्किन पे बहुत जल्दी खराब दिखने लगना। ओके, लाइक आपकी स्किन एज से पहले ही ज्यादा बड़ी दिखने लगती है, क्योंकि कहीं ना कहीं विटामिन डी की डेफिशिएंसी के सिम्टम यहाँ भी आपको नजर आते हैं, हेयर फॉल हो जाना, ये सारे विटामिन डी डेफिशिएंसी के सिम्टम्स हैं। अब हम इसको कैसे पूरा कर सकते हैं? कई भाई लोग मुझसे बोलते हैं हम सन बाथ ले लेंगे या धूप में जाके लेट जाएंगे तो हमारा हो जाएगा ठीक विटामिन डी। नहीं, इस चीज के बारे में आप सभी को बताता हूँ, जो आज के टाइम में धूप है, अगर आप मॉर्निंग 6 AM टू लेके 9 AM तक धूप में रहते हैं, देन वेरी गुड, बहुत अच्छी चीज है, आपकी कहीं ना कहीं ये कमी पूरी जरूर करेगा। और अगर इसके साथ आप एक ग्लास दूध भी पीते हैं तो दोनों कंबाइन करके आपकी बॉडी में विटामिन डी बनाते हैं, बट उतना अमाउंट में नहीं बना पाएंगे जितने की आपको जरूरत है। और आज के टाइम में कई भाई लोग 11 बजे या 12 बजे की धूप में लेट जाते हैं तो वो एक प्रॉब्लम है, क्योंकि रेडिएशन धूप में बहुत ज्यादा है तो कहीं ना कहीं आपके स्किन टिश्यूज को भी जलाने लगता है, तो उस धूप को थोड़ा सा अवॉइड कीजिएगा। मॉर्निंग का जो होता है वो आप सभी के लिए बेटर होता है। बट अब अगर स्टिल आपको डेफिशिएंसी में चल रहे हैं, आपको फील होता है कि मेरे जॉइंट्स थोड़े से पेन होते हैं या मेरी बोन्स मेरा साथ उतने अच्छे से नहीं दे रही, तो आज हमारे पास जो प्रोडक्ट है वो है नेचुरल टी। मैं ये न्यू प्रोडक्ट बनाया है विटामिन D3 प्लस K2 MK7 फॉर्म। गाइस क्या होता है, जब विटामिन डी होता है वो K2 MK7 फॉर्म के साथ मिलता है तो इसकी एब्जॉर्प्शन बहुत ज्यादा फास्ट हो जाती है और बहुत सटीक हो जाती है एकदम। यार नेचुरल टीन ब्रांड के बारे में मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, मैं इनके साथ एसोसिएट भी हूं, क्योंकि नेचुरल टीन इंडिया जो प्रोडक्ट अपने बनाती है वो बिल्कुल आउट ऑफ द
मतलब अदर ही प्रोडक्ट से बहुत ज्यादा ऊपर होते हैं इनके प्रोडक्ट, क्वालिटी के मामले में, क्वांटिटी के मामले में और रेट्स के मामले में भी बहुत अच्छे हैं। खैर, रेट्स के लिए डिस्काउंट कोड मैं आपको दे दूंगा जो डिस्क्रिप्शन में लगा होगा, ठीक है? फिर मैं वीडियो में एंड तक आपको बता दूंगा। खैर, हम अब इस प्रोडक्ट के बारे में बात करते हैं। गाइस, ये है नेचुरल टीन इंडिया का विटामिन D3+K2 MK7 फॉर्म, जिसके अगर हम पीछे नजर मारते हैं तो इसमें आपको मिलता है विटामिन D3 600 IU+K2 जो मिल रहा है वो आपको 55 MCG, जो इन दोनों को अगर हम ब्लेंड करते हैं, मिक्स कर देते हैं, तो प्रॉपर विटामिन डी आपके लिए मिल जाता है। इसमें खैर 60 टेबलेट्स आने वाली हैं, जो कि पर डे अगर आप एक टेबलेट लेते हैं तो आपकी विटामिन डी डेफिशिएंसी पूरी तरीके से दूर होने वाली है। ये इतना ज्यादा सेफ प्रोडक्ट है, आप अपने घर में अपने फादर या मदर या जो भी ओल्ड हैं उनको आप जरूर दे सकते हैं, क्योंकि उनको इस प्रोडक्ट की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। इसके अलावा अगर आप लोग जिम जाते हैं या कोई भी फिजिकल एक्टिविटी यूज कर रहे हैं तो आपको इस प्रोडक्ट को एक बार जरूर यूज करना चाहिए। खैर, मैं इसको ओपन करके ही बता देता हूँ। ये मैंने सेकेंड बॉक्स अपने पास मंगवाया हुआ है। इसको जैसे ही हम ओपन कर लेते हैं गाइज, तो इसमें कुछ इस टाइप की कॉटन होती है और इस टाइप की टेबलेट्स आपको देखने मिल जाएंगी। होप आप सभी को दिख गई होंगी। बाय द वे, ये जो प्रोडक्ट है ये मुझे पर्सनली बहुत ज्यादा यूजफुल लग रहा है, क्योंकि ये आपके उस विटामिन के ऊपर है जो कि सबसे ज्यादा डेफिशिएंसी से इंडियंस जूझ रहे हैं। तो आप लोग ये प्रोडक्ट ले सकते हैं, ज्यादा महंगा नहीं है। मेरा कूपन कोड लगाने के बाद ये हार्डली आपको ₹500 में 2 महीने के लिए इजीली मिल जाएगा। तो आप लोग इसको एक बार जरूर यूज कीजिएगा और फिर मुझे आके कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको ये प्रोडक्ट कैसा लगा। होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत। सब्सक्राइब और लाइक करना बिल्कुल मत भूलना।